छोटा आतंकवाद या बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं होता, आतंकवाद तो आतंकवाद ही है, इसे निपटाया कैसे जा सकता है? छोटा आतंकवाद या बड़ा आतंकवाद आतंकवाद है, एक नज़रिए से देखना चाहिए, इससे कैसे निपटाया जा सकता है? इसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी साफ होनी चाहिए, नियत पर है इस चीज़ का दारोमदार, समझ गए ना? इस्लाम कहता है कि इन्नमल अमालो बिन्नियात, सारा काम दुनिया का हो किसी कोई भी काम हो तो नियत पर डिपेंड करता है, तो हमारी अगर नियत ठीक होगी तो आतंकवाद नहीं फैलेगा और सबके साथ बराबरी का सुलूक किया जाए। आतंकवाद तो जब ही रुकेगा कि जिनके हाथ में पावर है वो तो आतंकवाद की बात करते रहे और दूसरे लोग अगर कोई जवाब भी देते हैं तो वो आतंकवाद में लिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहरहाल अपनी पहले तो अपने हाल को अपने अमाल को ठीक करना होगा, अपनी नियत को ठीक करना होगा। अगर हमारी नियत ठीक है तो आतंकवाद नहीं फैल सकता। अगर कोई गलती पार्टी का आदमी भी कर रहा है, गवर्नमेंट का आदमी भी कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो दूसरों के साथ होती है, तब आतंकवाद रुक सकता है। उनको भी होशियार रहना चाहिए, राजनीतिक जो दल हैं उनको भी होशियार रहना चाहिए और वो उनकी वजह से भी आतंकवाद पनप सकता है। भाई देखिए, इंटरनेट का के मुतालिक जैसा कि इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह साहब ने फरमाया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अब इंटरपोल का उन्होंने हवाला भी दिया है, तो इंटरपोल तो बड़ा इंटरनेशनल है, उसके एक संगठन है, वो इन चीज़ों को देखती है। बहरहाल हमारे मुल्क में भी आतंकवाद के वारदातें होती रहती हैं, लेकिन ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन पर इस तरीके से कंट्रोल करे कि जिससे मतलब ये आतंकवाद न फैले। तो आतंकवाद को कोई पसंद नहीं करना चाहता, आतंकवाद से तो मुल्क की तरक्की भी रुकती है, मुल्क के हालात ख़राब होते हैं और आपस में मेल मिलाप भी ख़त्म होता है। तो इससे हमें इसे सारे दुनिया उससे जुड़ी हुई है इंटरपोल से। बहरहाल जो फैसला सबका होगा वो हमें तो इसमें कोई वो नहीं है, हमने बहरहाल गवर्नमेंट कोई सही फैसला इसमें लेती है तो वो ले। जो इंटरनेट के ज़रिए से फैला जी, हाँ, तो इस पर जिम्मेदारी तो उन्हीं पर आती है।